नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में बेसहारा और बेजुबान जानवरों के कल्याण के लिए टीकाकरण और रेडियम कॉलर बांटने के उद्देश्य से आश्रय हल्द्वानी से राउंड टेबल 348 ने सहयोग करते हुए हाथ मिलाया है, जिसके चलते आज पंचायत घर स्थित आश्रय सेल्टर होम में एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बेसहारा कुत्तों का बीमारी से बचने के लिए एक इंजेक्शन के अंदर 6 टीकों की शक्ति वाला इंजेक्शन लगाया गया। इसके अलावा कीड़ों से बचाने वाली दवा और खाने की सामग्री के साथ ही सड़क पर अंधेरा होने के कारण घायल होने वाले आवारा कुत्तों के लिए रेडियम युक्त कॉलर भी वितरित किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन शहर में होते रहने चाहिए, इससे आवारा और बेसहारा जानवरों को सहारा मिल जाता है, जो बेहद ही सराहनीय कदम है। वहीं विशिष्ट अतिथि साकेत बांग्ला ने कहा कि इस कैंप के माध्यम से समाज को एक बेहतर समाज के निर्माण का संदेश दिया जाता है, जो काबिले तारीफ है। वहीं जेजेएन से बात करते हुए आश्रय की अध्यक्ष निकिता सुयाल ने कहा कि हम हमेशा से आवारा पशुओं के लिए कार्य करते आए हैं और अभी हमारे शेल्टर में करीब 70 गायों का निजी तौर पर पालन पोषण हो रहा है और आगे भी संख्या बढ़ने का अंदाजा है। साथ ही आश्रय केयर सेंटर की संस्थापक निकिता सुयाल ने राउंड टेबल की ओर से आश्रय का सहयोग करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला सर, और सर यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सर, जिस तरह से आश्रय सेवा समिति की ओर से इतना नेक कार्य किया जा रहा है और आज स्ट्रीट डॉग वैक्सीनेशन यहाँ पे किया गया है, कितना ज़रूरी है ये और नगर निगम की ओर से आने वाले समय में क्या कदम इसके और उठाए जाएंगे? देखिए, हल्द्वानी राउंड टेबल द्वारा और आश्रय सेवा समिति द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। इस पुनीत कार्य में हमारे जो राउंड टेबल के सज्जन हैं, सभी टेबलर्स हैं और आश्रय सेवा समिति की निकिता सुयाल और उनके सभी सहयोगी हैं, उनके द्वारा स्ट्रे डॉग्स को कॉलर पहनाना ताकि वो रात्रि में दिखे लोगों को, और साथ ही उनको वैक्सीनेट करना और साथ ही कई अन्य कार्य भी निकिता जी करती हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ राउंड टेबल के सभी टेबलर्स को और हल्द्वानी राउंड टेबल को ख़ास तौर पे कि उन्होंने उनको असिस्ट किया, और ये कार्य बहुत ही अति आवश्यक है क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स, इनको मिनिमाइज़ करना एक अलग विषय है। इनको एक हिसाब से व्यवस्थित करना, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, इनको वैक्सीनेट करना, इनको कॉलर पहनाना, ये अति आवश्यक कार्य है। तो मैं संस्था को बधाई देता हूँ, हल्द्वानी राउंड टेबल को बधाई देता हूं, और बनारस से हमारे मिस्टर संकेत साकेत सर वो भी आए हैं, उनको भी बधाई देता हूं, और अग्रवाल जी हैं उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद। चलिए, तो अब हम ऐसा मौजूद हैं एरिया 8 के चेयरमैन साकेत बागल जी। सर, जिस तरह से आपने खुद यहाँ पे आकर शिरकत की है और जैसे कुत्तों के कल्याण के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, कितना ज़रूरी आप देख रहे हैं कि आज के समय में ये चीज़ कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम, क्योंकि राउंड टेबल इंडिया का जो एक मिशन है, तो हम लोग का मिशन है स्कूल से रिलेटेड, हम लोग स्कूल बना रहे हैं। पिछले बहुत सालों से ये कार्य चल रहा है, पिछले 25 साल से हम लोग स्कूल में तो कर ही रहे थे। इस बार हम लोग का आरटीआई वीक चल रहा है, 18 नवंबर से लेके हम लोग का 24 नवंबर तक ये आरटीआई वीक चलेगा। उसमें इस बार हम लोग ने एक चीज़ ऐड की है, वो है एनिमल वेलफेयर, और उसको ऐड करने का जो हम लोग का बेसिक मोटिव है वो यही है कि हम लोग सारा लोग, सारे समाज सब चीज़ के लिए, इंसानों के लिए तो काम करते हैं, बट जानवरों के लिए जो बेजुबान हैं उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने इस बार आरटीआई वीक में इस चीज़ को डाला है और उसी के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है, और आगे आने वाले समय में भी जो भी हम लोग से हो पाएगा राउंड टेबल इंडिया की कम्युनिटी से, वो हम लोग पूरे प्रदेश में करते रहेंगे। तो ये सबसे पहली बार आपकी ओर से जी किया गया जी है। जी, और आगे किस तरह से कदम इस और उठाए जाएंगे? इस कदम जैसे हम लोग ने आश्रय से हम लोग ने एसोसिएट किया है, पैन यूपी, पैन बिहार और पैन उत्तराखंड, हम लोग इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से जो ये कार्य करती जा रही है उनसे एसोसिएट होके हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से सर जैसे डॉग्स को कॉलर लगाए जा रहे हैं कि रात को किसी भी एक्सीडेंट से उन्हें बचाया जा सके, बहुत सारे सड़कों पर बहुत से आवारा ऐसे हमें डॉग्स देखने को मिलते हैं, तो क्या चाहिए कि प्रशासन की तरफ से भी इस और कदम उठानी चाहिए? बिल्कुल, प्रशासन उठा भी रहा है, आज मेयर यहाँ पर हम लोग के साथ हैं, वो हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि जब
प्रशासन साथ में जुड़ जाता है कम्युनिटी के, तो कार्य जल्दी से होता है और उसकी गति बढ़ जाती है। तो गति बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा हाथ है और हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में भी गवर्नमेंट हम लोग से जुड़ के काम करे कि तेज़ी से हम लोग जो कार्य कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर के लिए उसको करा पाए हम लोग। तो अभी सिर्फ डॉग्स के लिए है और एनिमल्स के लिए भी ये सारे एनिमल्स के लिए, सबके लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आश्रय की संचालिका निकिता सुयाल जी और रीता गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं जिस तरह से नेक कार्य मैम आप लोगों की ओर से यहाँ पे किया जा रहा है और आज वैक्सीनेशन यहाँ पे किया गया है, कैसे सोचा था इस कार्य को स्टार्ट करने से पहले? एक्चुअली हर साल डॉग्स हमारे शेल्टर में काफ़ी बीमारियों से ग्रसित होते हुए आते हैं और उन बीमारियों का कारण सिर्फ यही है कि वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं। तो अब अगर ये वैक्सीनेशन हो गया है तो इनको काफ़ी बीमारियों से बचाव मिलेगा और ये मरने से बचेंगे, इनकी ज़िंदगियां बचेंगी, क्योंकि ये स्ट्रे डॉग हैं इसलिए इनकी फ़िक्र कोई नहीं करता है। ये कैंप लगाने का यही एक रीज़न था कि इन डॉग को बीमारियों से बचें और जितनी भी अपनी ज़िंदगी है खुशहाल बिताएँ। यही वैक्सीनेशन हम एक महीने बाद रिपीट करेंगे जिसके बाद इनको एक साल तक वैक्सीनेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें बाहर की कोई बीमारी नहीं छुएगी। अच्छा। जी, तो रेडियम कॉलर भी आज डॉग्स की तरफ से डॉग्स पे लगाया गया है। रेडियम कॉलर लगाने का मकसद यही है कि रात में ये इंजर्ड हो जाते हैं, कोई देखता नहीं है, गाड़ी से दबा जाता है, तो ये कॉलर यदि चमकेंगे तो लोगों को दिखेगा कि यहाँ डॉग है, हम इसको ज़रा संभल जाएँ। तो ये हमारा मकसद कॉलर लगाने का यही था। लगभग कितने आज डॉग्स को वैक्सीनेशन किया गया? मेरे ख्याल से करीब 100 तक डॉग वैक्सीनेट हुए हैं, टारगेट हुए हैं, अभी भी आएंगे क्योंकि वैक्सीनेशन कैंप अभी चल रहा है। हमारी वैन है जो हम डॉग को पिकअप एंड रिसीव करने के लिए हम अपनी वैन भेज रहे हैं, तो अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा 4-5 बजे तक, जब तक हमारे वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो पूरा ना हो जाए। ओके, और हम लोग इनको वो भी दे रहे हैं डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स, हम लोग डिवॉर्मिंग करा रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं 6-in-1 और रेडियम कॉलर लगा रहे हैं, प्लस इन बच्चों को ट्रीट भी दी जा रही है हमारी तरफ से। अच्छा, ये कैंप इस तरीके से हमारा चल रहा है विद हल्द्वानी राउंड टेबल 348, उनके सहयोग से हम ये कैंप सक्सेसफुली चला पाए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये खबर तैयार की हमारे सहयोगी निशा और पूजा ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।